गाइस कैसे हैं आप लोग। आज आप देख रहे हैं हमारा चैनल। हम आज पिरामिड्स क्यूब सॉल्व करने वाले हैं। ये बहुत आसान तरीका है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना भाई। मैं कोई कसम बसम नहीं देता, आप प्लीज़ भाई आप सब्सक्राइब कर देना मुझको भाई। मैं बेसिक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। इस ये पिरामिड्स क्यूब में तीन सेंटर पीस होता है, 1 2 3, ठीक है। एक साइड में तीन तीन सेंटर पीस होते हैं, 1 2 3 1 2 3, ये सब ये तीन जो है ये है सेंटर पीस। और ये जो दो कलर रहते हैं उसको कहते हैं एच पीस, ठीक है। मैं जानता हूँ आप लोग ये जानते हो, पर ये बेसिक चीज़ें आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आप पहले मतलब वहाँ पर जाएंगे जब इस यहाँ पर होगा पर रूल लगाएंगे तब आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये कॉर्नर, ये एज, ये सेंटर, ठीक है, ये तीन ही पीस होते हैं यहाँ पर, तभी क्यों में ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए तो आपको क्या करना है, ये साइड है, आपको कॉर्नर देखना है कहाँ पर तीनों कॉर्नर एक जैसे है, आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। हम योलो करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर योलो है, यहाँ पर भी योलो है, यहाँ पर भी योलो है, अब देखो, ठीक है। तो योलो क्या करना, आपके फेस के मतलब फेस के सामने होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, रोटेट करके कर देना है सामने। ये भी रोटेट कर देता हूँ, ये रहा सामने और ये भी हो गया, ठीक है। आप क्या करना है, कॉर्नर तो हो गया, आपके आप क्या करना है, सेंटर पीस आपको ठीक करना है। तो सेंटर पीस करने के लिए आप जस्ट ये देखो, ये मतलब ठीक ठाक है, तो इसको मत कुछ भी मत करना, तो ये ख़राब है, ये भी ख़राब है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे करके घुरा घुराते रहना है, हो गया। तो आपको कॉर्नर पीस भी सही पोजीशन में कर देना है, दोनों सेंटर हो गया, तो अब ये रहा। तो आपको ये ऐसे पहली बार में देखो सेंटर पीस हो गया, देखो। आपको क्या करना है, आप ये जो योलो आप जिस कलर को आप बना रहे हो उसको आपको क्या करना है, नीचे रहने देते हैं, ठीक है, हो गया। आपको वहाँ देखना है, ठीक है, ऐसे करके देखना है। मैं बता दे रहा हूँ, ये यहाँ पर कौन सा एच पीस लगेगा, देखो यहाँ पर ही एच पीस है पर ये ट्विस है, तो ये इसको क्या करेंगे हम, इस लेयर में मतलब इस पोजीशन में ले आएंगे। तो उस लिए आपको एक रूल करना है, मैं बता दे रहा हूँ, आपको कोई भी एक रूल कर देना है। आर आर को नीचे करना है, लेफ्ट को भी नीचे करना है, आर को फिर से ऊपर करना है और लेफ्ट को फिर से ऊपर करना है। हो गया, यहाँ पर जो एच पीस था वो कहाँ, यहाँ पर चला गया। तो आपको और ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप मतलब इसको प्लेस करना चाहते हो, ये जो पीस है आपको जिस कलर में लाना है, मतलब यहाँ पर जो करो ये कलर पीछे से मैच करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, एक जो यहाँ पर क्या है, राइट में है, ये राइट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड है, ये अपर है, अपर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो इसको यहाँ पर लाने के लिए राइट में है तो राइट पहले करना है, राइट को नीचे करना है, लेफ्ट हुआ तो लेफ्ट को पहले नीचे करना है, राइट है तो राइट नीचे, लेफ्ट भी नीचे, राइट ऊपर, लेफ्ट भी ऊपर, हो गया, देखो आ गया। तो फिर से ये भी अब करना है, देखो फिर से ये है। तो आपको क्या करना है, पहले इस वाले को यहाँ पर ले जाना है, उस लिए और एक ही रूल यूज़ करना है, ठीक है, वो जो रूल आपको बताया था वो उसी रूल को फॉलो करके हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी सेम केस है, ये भी राइट साइड में है, ठीक है। तो एक ही रूल है, मैं बता दे रहा हूँ, और एक केस होता है, ठीक है, दोनों केस होता है। ये देखो हो गया। फिर से क्या करना है, ये भी राइट साइड में, तो एक ही रूल होगा, आर नीचे लेफ्ट भी नीचे, आर ऊपर लेफ्ट भी ऊपर, हो गया, ये देखो, ठीक है। और मैं और एक केस बता दे रहा हूँ,
ठीक है, ये देखो, ये राइट में मैं कर देता हूँ आपको। हो गया, नहीं हुआ, ठीक है, फिर से करना है। तो यहाँ पर खराब है, ये यहाँ पर भी राइट है, और आप नहीं करना, ठीक है, ये जस्ट मैं दिखा रहा हूँ था। तो हो गया, देखो नीचा नीचे जो साइड था वो हो गया, ये भी साइड जो नीचे वाला पोर्शन है वो भी हो गया, देखो कितना सुंदर दिख रहा है। अब क्या करना है, ये जो केस है ये एक केस है भाई, ये तीन केस होते हैं, पर ये बहुत मतलब ये बहुत मतलब यूज़फुल है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये देखो नील मैच कर रहा है, पर यहाँ से नहीं, यहाँ से भी मैच कर रहा है पर यहाँ से नहीं, ठीक है। अब देखो कहाँ पर दोनों साइड से ही मैच नहीं हुआ है, ये वाला पीस, तो ये वाला पीस को हम पीछे रहने देते, तो क्या हुआ, ये पीछे है। अब देखो ये राइट साइड है, ये राइट साइड में ख़राब है, तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, उस वाली ही रूल है, आर नीचे लेफ्ट नीचे, आर ऊपर लेफ्ट ऊपर, हो गया। ये देखो ये हो गया, तो फिर आपको क्या करना है, जो ठीक हो गया उसको आप क्या करना है, पीछे ले जाना है, हो गया, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जब लेफ्ट खराब होगा तो राइट को छूना है, लेफ्ट को नहीं, और जो जब राइट खराब होगा आपको राइट को नहीं छूना, लेफ्ट को यूज़ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, होगा तो हम क्या होगा, ये खराब था, राइट खराब था, इसलिए हम लेफ्ट को क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, हो गया। और फिर क्या कि यू को आप लेफ्ट साइड में घुमा देना है, हो गया, और फिर आपको ये कर देना, देखो पूरा पिरामिड सॉल्व। ये एक केस था, ठीक है, और एक भी केस से मैं दिखा दे रहा हूँ, रुको मैं स्क्रैम्बल कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये भी एक केस है, पिछली बार क्या हुआ था कि ये पोर्शन ख़राब था, ठीक है, अब क्या हुआ, ये पोर्शन, तो आपको क्या करना है, जो भी पोर्शन ख़राब हुआ हुआ है उसको क्या करना है, नीचे करना है, मतलब ये लेफ्ट है, लेफ्ट को नीचे, आर आर मतलब राइट को भी नीचे, लेफ्ट को ऊपर, राइट को भी ऊपर, देखो ये हो गया। अब क्या करना है, पिछली बार की तरह ये मैच हो गया, इसको क्या करना है, पीछे कर देना है। मैं क्या बताया था कि जब राइट खराब होगा तो लेफ्ट को छूना, और लेफ्ट जब खराब होगा तो राइट में छूना, तो यहाँ पर लेफ्ट खराब है तो राइट को क्या करते हैं, हम राइट को ऊपर करते हैं, ठीक है, हो गया। या फिर आपको जो ऊपर को वाला साइड है ये आपको राइट के राइट पोजिशन में घुमा देना है, ये देखो, ठीक है, हो गया। और फिर आपको ऐसे करना है, देखो ये दोनों केस था, ठीक है, और एक केस होता है वो बहुत कम समय में, कम समय मतलब ये जो कलर है मैं दिखा दे रहा हूँ, ये हो गया हमारा पिरामिड सॉल्व, और एक भी केस होता है मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये भी एक केस होता है कि आपको दोनों साइड में ठीक करना पड़ता है, पर ये जो पीस है वो ठीक रहता है, ये मतलब ये जो पीस है यहाँ पर रहेगा और ये पीस है यहाँ पर रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ, जब ये पीस यहाँ पर रहेगा तो आपको R1 और L1 को आप ये वाला रूल आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो आप क्या होगा, ये जो पीस रहेगा वहाँ पर आ जाएगा और ये पीस वहाँ पर मतलब सभी मतलब सभी जो पीस है वो आपके प्लेस में रहेगा पर ठीक नहीं रहेगा। तो ये देखो हमारा क्या हुआ, ये वाला ठीक है, ये भी ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये रूल मैं बता रहा हूँ भाई, वीडियो को फुल देखना नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो केस है उसके लिए आपको यू करना है, हो गया, ठीक है, यू आपको लेफ्ट साइड में घुमा देना है, फिर आपको ऐसे कर देना है, फिर आपको ऐसे कर देना है, रुको 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 रुको, मैं अभी गलत हूँ, थोड़ा रुको, तो पहले से कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक ही है, ठीक है। पहले आपको R1 हो गया, मतलब दोनों जो है इधर उधर रहना चाहिए, एक पोजीशन में नहीं, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है,
ये देखो ये भी खराब है। आपको पहले जैसे मतलब 3 पीस को आर आर को नीचे करना है, लेफ्ट को नीचे करना है, आर को ऊपर करना है, लेफ्ट को ऊपर करना, करने से ये देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ये वाला यूज़ करना है, ऐसे करना है, फिर ऐसे, मतलब मैं बता रहा हूँ, रूल नहीं बताया। यू को आपको लेफ्ट साइड में घुमा देना है, फिर आपको जो राइट है मतलब लेफ्ट है आपको फिर से ऊपर करना है, और फिर आपको जो अपर लेयर है उसको घुमा देना है, और ये हो गया। देखो हो गया, तो ऐसे ही आप पिरामिड सॉल्व कर सकते हो। तो भाई सब्सक्राइब तो कर देना भाई, भाई आप लोगों को सपोर्ट ही चाहिए। आपके एक सब्सक्राइब से मैं मोटिवेशन पा रहा था। मैं कुछ दिनों से तबीयत खराब था तो मैं वीडियो नहीं कर सकता, और मेरा एग्ज़ाम भी था। तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।